एनडीए के खिलाफ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन है। अब तक इस गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 2 दिन तक मुंबई में हुई। इस गठबंधन में शामिल पार्टियों के 63 नेता शामिल रहे। अब इस गठबंधन में जन अधिकारी पार्टी यानी कि जाप ने शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। बता दें, पटना में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा, मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं। इसके लिए नीतीश लालू तेजस्वी के पैर पकड़ने को तैयार हूं। पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया में शामिल होना चाहता हूं और मैं नीतीश लालू जी के पैर पकड़कर कहता हूं, मुझे शामिल कीजिए, कहिए तो तेजस्वी के भी पैर पकड़ लूं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि मेरी पार्टी सरकार में शामिल हुई तो हम प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दें या नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए रोजगार के लिए देंगे। 1 साल से 3 साल तक वो 50 लाख रुपए सरकार को बिना ब्याज वापस दे सकते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो राजनीति छोड़ने के साथ साथ बिहार छोड़कर चला जाऊंगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन वन एजुकेशन लागू करने की बात कही। पप्पू यादव ने कहा कि अगर पीएम मोदी में जरा भी स्वाभिमान है, जरा भी हिम्मत है तो वन नेशन वन एजुकेशन लागू करें। भारत के युवा, भारत की बेटी वन नेशन वन हेल्थ चाहता है, वन नेशन वन एजुकेशन चाहता है, वन नेशन वन एवरीवन एम्प्लॉयमेंट पर बात कीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि आपको चुनौती देता हूं, अगर आप इन चीजों पर बात कीजिए तो कभी आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।